हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर नंबर डेटा टाइप को कैसे यूज करें, यानी एसक्यूएल व्यू में हम नंबर डेटा टाइप को यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही ऐसा सिनेरियो नजर आएगा। आपको यहां से क्रिएट पे क्लिक करना है और जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो टेबल आएगा। इस टेबल पे आपको कोई काम नहीं करना, इसे सीधा सीधा क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करके यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाइएगा और क्वेरी डिजाइन से एसक्यूएल पे आ जाइएगा। अब यहां पर आ चुका है ये। तो अब जब टेबल आप बनाते हैं तो जैसे यहां लिखा आपने क्रिएट CREATE और फिर यहां लिखते हैं टेबल, फिर यहां टेबल का नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम टेबल वन दे देते हैं तो टेबल वन नाम से यह टेबल बनेगी। लेकिन इसमें जो फील्ड आप इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे दे दिया आईडी, तो आईडी दिया तो यहां पे आईडी का डेटा टाइप शायद कभी नंबर ना रखा हो, तो यहां पे नंबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और इसको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए प्राइमरी की, तो ये कर दिया प्राइमरी की, ठीक है। और यहां पे कॉमा लगा दिया और यहां पे नेम कर देते हैं नेम, और नेम का डेटा टाइप क्या कर देते हैं, नेम का डेटा टाइप कर देते हैं कैर CHAR, ठीक है। और यहां पे ब्रैकेट को ओपन करके इसकी साइज दे देते हैं 40 और इसको बंद करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और टर्मिनेशन देते हैं, टर्मिनेशन यानी ये सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको चलाने की बारी है, चलिए इसको यहां से रन करा देते हैं। रन कराएंगे तो यहां पे ये सिंटेक्स एरर, एक मिनट, यहां पे ये जो कैर डेटा टाइप है CHAR, यहां पे देखिए सी हो गया है जिसके चलते ये दिक्कत हो रही है। चलिए अब सही हो गया, यहां पर ये ब्रैकेट को ओपन करके फिर क्लोज कर लिया हमने और अब इसको यहां से रन करते हैं। तो ये रन करते ही टेबल बन जाएगी और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। और यहां पर आप नंबर एंटर कर सकते हैं लेकिन डुप्लीकेट नंबर एंटर नहीं कर सकते। यहां पे देखिए यहां पे नाम आप डुप्लीकेट भले दे दीजिए लेकिन डुप्लीकेट नंबर आप एंटर नहीं कर सकते। जैसे यहां पे गौरव लिखा, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की। यानी प्राइमरी की है ये वाली फील्ड प्राइमरी की है, तो इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एंटर कर सकते। कुछ भी एंटर कीजिए लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये फॉरेन की वाला फील्ड है तो यहां पे आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं लेकिन वहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी समझ में आया होगा कि नंबर डेटा टाइप को यूज करें तो कैसे करें, ठीक है। तो आप सीधा नंबर लिख देंगे तो नंबर डेटा टाइप को यूज कर पाएंगे। अब यही कहानी जो है MySQL में भी है, ठीक है। अब जैसे MySQL का कमांड लाइन मैं ओपन करता हूं, मैं इस पे भी आपको दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए यहां पे ये पहले मैं पासवर्ड डालता हूं और फिर शो डेटाबेसेस कमांड चलाऊंगा तो ये हो गया शो डेटाबेसेस। और यहां पे कोई एक डेटाबेस हम यूज करने वाले हैं तो चलिए यहां पर यूज कर लेते हैं ये अपलक। तो ये अपलक नाम से डेटाबेस है तो यहां पे यूज APA और LAPLAK है तो यहां पे APLAK करते हैं और यहां टर्मिनेशन देके एंटर करते हैं तो डेटाबेस चेंज हो गया। अब यहां पे शो टेबल्स कमांड चला लेंगे तो इसमें देखेंगे कौन कौन से टेबल्स हैं। तो ये शो टेबल्स कमांड चलाया और टर्मिनेट किया तो यहां पे देख सकते हैं ये इस तरीके से आ रहा है। लेकिन हम एक नया टेबल बनाना है तो यहां पे लिखेंगे क्रिएट और फिर यहां पे लिखेंगे टेबल और फिर टेबल का नाम देंगे। तो कोई भी टेबल का नाम हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां स्टूडेंट कर देते हैं टेबल का नाम, तो ये स्टूडेंट कर दिया, ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पे आईडी दे देते हैं, सेम वही चीज। और यहां पर क्या नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वही चीज की मैंने प्राइमरी की बना दिया तो ये प्राइमरी की हो गया। फिर कॉमा दे दिया और कॉमा दे करके क्या करेंगे, यहां पे नेम दे देंगे तो नेम कौन सा डेटा टाइप है, वेयर कैर। इस बार वेयर कैर दे देता हूं, पहली बार इसके पहले मैंने कैर दिया था, इस बार वेयर कैर कर देता हूं। और साइज रख देते हैं 20, क्या रखते हैं साइज 20 रख देते हैं, ठीक है। अब इसको बंद करना है और टर्मिनेशन देना है, अब एंटर करना है। तो यहां पे एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दिक्कत कर रहा है, यहां पर ये नंबर डेटा टाइप जो है ले नहीं रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहां पे ये नियर नंबर, तो लेकिन इसके जगह अगर आप जैसे मान लीजिए यहां पे नंबर की जगह कुछ और दे देते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर की जगह हम इंटीजर दे देते हैं या कोई और डेटा टाइप दे देते हैं तो यहां पर ये एक्सेप्ट कर जाएगा तुरंत। तो यहां पे लिख देते हैं प्राइमरी की, ये हो गया प्राइमरी और फिर यहां पे की और फिर यहां पे कॉमा लगा करके फिर यहां पे नेम कर देते हैं और नेम फिर वही चीज की वेयर केयर रख देता हूं तो यही चीज इसमें एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एसक्यूएल MySQL में ये डिफरेंस है। आप देखिए यहां पर ये हो गया, देख रहे हैं इंटीजर देते ही हो गया। तो आप सीधा सीधा नंबर डेटा टाइप यहां पे नहीं रख सकते लेकिन ये काम आप एक्सेस में जरूर कर सकते हैं। एक्सेस में देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्पफुल एक्सेस हो सकता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू MySQL, ठीक है। और यहां पर जब आपको टेबल देखनी होगी कि इस टेबल में आपने क्या रखा है तो एक कमांड होता है DESC, डिस्क्राइब कमांड होता है। तो यहां पर टेबल का नाम भर दे देना है आपको और ये पूरा इसको डिस्क्राइब करके देगा कि कहां पर कौन सी चीजें रखी गई है। तो देखिए यहां पर दिखा रहा है कि आईडी इंट डेटा टाइप है और नेम वेयर केयर है, प्राइमरी की रखा है कि नहीं रखा है आईडी को, तो बिल्कुल रखा है। नल रखना है कि नहीं, तो यहाँ पे नल है, डिफॉल्ट में नल है
लेकिन प्राइमरी की बनाया है तो नॉट नल, नल नहीं रख सकते आप, लेकिन इसमें नल रख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। वैसे दोनों ही आसान है, दोनों ही डेटाबेस के मामले में दोनों ही बहुत अच्छे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी और माई एसक्यूएल भी। लेकिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ज्यादा पसंद आता है इन कंपैरिजन टू माई एसक्यूएल।